बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अली मोगल, नाइन्थ क्लास, चैप्टर नंबर 12। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसका थ्योरम नंबर 3। इस थ्योरम नंबर 3 का स्टेटमेंट हमारे सामने है कि द राइट बाय सेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्कुरेंट। जैसा कि किसी भी ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स के जो राइट बाय सेक्टर्स होंगे दीज आर कॉन्कुरेंट, आपस में एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये बात साबित करनी है। इस थ्योरम के स्टेटमेंट के मुताबिक हम दोबारा डिस्कस करेंगे, दोबारा इसको डिटेल से समझेंगे। लेकिन उससे पहले कि मैं इस थ्योरम की तरफ जाऊं, मैं पिछले दो थ्योरम्स, थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2 ऑफ 12 चैप्टर, उनके स्टेटमेंट पे बात करना चाहेंगे। और इस थ्योरम को समझने के लिए, थ्योरम नंबर 3 को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये पिछले दोनों थ्योरम्स के स्टेटमेंट और उसके रिजल्ट्स 100% उनसे हम लोग उससे वाकिफ हों। थ्योरम नंबर 1 में हमने प्रूव किया था कि कोई भी पॉइंट, ये कोई लाइन सेगमेंट हुआ हमारे पास और ये उसका कोई राइट बाइसेक्टर है, यानी इसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है और 90 का एंगल बना रहा है। तो कोई भी पॉइंट जो इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर आ जाए, लाइन सेगमेंट हमने ए बी लिया था और इस लाइन का नाम हमने एल एम लिया था और यहां पर हमने कोई पॉइंट पी लिया था और ये जो है ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर है, यानी 90 का एंगल बना रहा था। तो हमने थ्योरम 1 में साबित किया एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, कोई भी पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर पर हो, आप लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाय सेक्टर पे कोई भी पॉइंट आ जाए, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये पॉइंट जो होगा इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से एक जैसे फासले पर होगा, ये बात हमने साबित की थी थ्योरम नंबर 1 में कि ये दोनों फासले एक जितने होंगे, पी से ए का फासला, पी से बी का फासला। तो कोई भी पॉइंट जो राइट बाय सेक्टर पर होता है लाइन सेगमेंट के, वो उसके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट से एक जैसे फासले पे होता है। थ्योरम 2 के अंदर हमने साबित किया एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, आपके पास कोई लाइन सेगमेंट हो और कोई पॉइंट हो, लाइन सेगमेंट ए बी हो, पॉइंट पी हो, ऐसा है कि ये पॉइंट इस लाइन पर ना हो, लाइन से ऊपर हो, लाइन से नीचे हो, कहीं भी हो, अगर इस पॉइंट से ए का फासला और इस पॉइंट से बी का फासला इक्वल हो, तो हमने साबित किया था एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कोई भी पॉइंट जो किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से एक जैसे फासले पर हो, उसको हमने साबित किया था इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। पहले भी डिस्कस कर चुके, पहले भी ये कहा कि इसके बाद जो कुछ होता था वो साबित करना होता था, तो हमने साबित किया था इस ये पॉइंट जो है इसके मुताबिक कह रहा है कि इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो ये पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर आएगा, ये बात भी हमने साबित की हुई है थ्योरम 2 में। तो इन दो स्टेटमेंट्स को हमने याद रखना है, ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं, उलट है। तो थ्योरम 1 से हम जानते हैं कि राइट बाइसेक्टर पर आने वाला पॉइंट लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से एक जैसे फासले पे होगा, यानी अगर पॉइंट राइट बाइसेक्टर पर है तो वो एंड पॉइंट से, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से एक जैसे फासले पे होगा। और थ्योरम 2 के मुताबिक अगर कोई पॉइंट एक जैसे फासले पर हो, या पहले फासला बता रहा है कि फासला इक्वल है, तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से एक जैसे फासले पर हो, तो जहन में रखें कि वो पॉइंट हमेशा उसके राइट बाइसेक्टर पर आएगा, यानी इस लाइन सेगमेंट का जो राइट बाइसेक्टर है यकीनन वो पॉइंट उसके ऊपर होगा। ये दो बातें आपने जहन में रखनी है। अब हम अपने असल थ्योरम पर आते हैं जो आज का हमने प्रूफ करना है। इसके प्रूफ के लिए मैं अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स कि ये दोनों स्टेटमेंट्स हमें 100% क्लियर हो, इसकी जो ज्योमेट्री है, इसकी जो बातें हमने समझी वो 100% क्लियर हो।
अब इस थ्योरम के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये कॉन्कुरेंट क्या होता है, बाकी बात तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कॉन्कुरेंट क्या होता है। वर्ड कॉन्कुरेंट सपोज कर लें, ये मेरे पास तीन लाइनें हैं, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री। लाइन वन और लाइन टू एक दूसरे को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करती हैं। लाइन वन और लाइन थ्री सपोज कर ले ये एक दूसरे को बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन थ्री और लाइन टू ये दोनों एक दूसरे को सपोज कर ले सी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो लाइन वन है, लाइन टू और लाइन थ्री आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये तीनों लाइनें आपस में इंटरसेक्टिंग लाइनें, एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, वो आपके सामने। इसके मुकाबले में मैं दोबारा लाइनें बना रहा हूं, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री। सपोज कर लें ये सारी एक दूसरे को किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये तीनों भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन ये तीनों भी, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों एक दूसरे को डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जबकि ये तीनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री इस सेकेंड फिगर में मैंने बनाई है, दीज आर कॉल्ड, यहां पर लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री आर कॉन्कुरेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग तो ऑफ कोर्स है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हैं, लेकिन इनके पास एक और चीज जो है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लिहाजा इनको हम कह सकते हैं कि कॉन्कुरेंट लाइंस। दीज आर जस्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉट कॉन्कुरेंट लाइंस, बट दीज आर इंटरसेक्टिंग एज वेल एज कॉन्कुरेंट लाइंस। तो कॉन्कुरेंट लाइंस वो होती है कि वेन टू आर मोर देन सॉरी व्हेन थ्री आर मोर देन थ्री लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट, देन द लाइंस आर कॉल्ड कॉन्कुरेंट लाइंस। तीन या तीन से ज्यादा लाइनें, तीन या तीन से ज्यादा लाइनें जब भी एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम हो, तो ऐसी लाइनों को हम लोग कहते हैं कॉन्कुरेंट लाइंस। तो यहां पर भी इस थ्योरम के अंदर कॉन्कुरेंट का वर्ड यूज हुआ, वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि कॉन्कुरेंट क्या होता है। अब हम थ्योरम के स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। दूसरी बात वो वर्ड कर रहा है कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो हम पहले ट्राइंगल बनाते हैं, उसकी साइड डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं। सपोज कर ले ये मेरे पास कोई भी ट्राइंगल है, ये मेरे पास कोई भी ट्राइंगल है, तो बुक के मुताबिक मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूं। इस पॉइंट को ए कंसीडर किया हुआ है, इसको बी कहा हुआ है और इसको सी कहा हुआ है। ये मेरे पास कोई भी ट्राइंगल है, और क्लियरली आप सभी जानते हैं कि हर ट्राइंगल में तीन साइडें होती हैं, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी। तो ये रफ में भी समझ ले, मैं फिर नीट फिगर पर वापस आ जाता हूं। हमने साबित ये करना है कि इस ट्राइंगल के तीन साइडों के जो राइट बाइसेक्टर है, सपोज कर ले ये राइट बाइसेक्टर है साइड ए बी का, ये राइट बाइसेक्टर है साइड ए बी का, इसने ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और यहां 90 का एंगल बना रहा है। सपोज कर ले ये राइट बाय सेक्टर है, 90 का एंगल बनाता है और दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है, ये साइड बीसी का राइट बाय सेक्टर है, और ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये तीसरी साइड का राइट बाय सेक्टर हो, इसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़े और यहां 90 का एंगल बनाए, ये तीन राइट बाइसेक्टर्स आपने ड्रा किए, और तीनों राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, ट्राइंगल की तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर, ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
ये बात हमने यहां साबित करनी है। लेकिन इसमें जिस तरह यहां पर मैंने तीनों साइडों के राइट बाय सेक्टर बनाकर उनको एक दूसरे के ऊपर हमने ये शो भी कर दिया, ऐसा यहां नहीं कर सकेंगे। तीनों को एक पक पर आप नहीं, तो क्या तरीकाकार होगा, आप दो राइट बाय सेक्टर्स लेंगे और तीसरे को साबित करना होगा। दो को आप कंसीडर करेंगे, दो से स्टार्ट करेंगे, तीसरे की तरफ आप खुद से जाएंगे। तीनों एक साथ ड्रा कर दिए तो ये कॉन्करेंट होगा, ये तो कोई साबित करने वाली बात नहीं है, तो हमने डायरेक्ट बनाकर दिखा दिए, ऐसा नहीं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जरा गिवन से समझें। इस स्टेटमेंट के मुताबिक इसमें इसमें कहीं पर इफ नहीं है, इसमें कहीं पर इज नहीं है, इसमें आर आ रहा है। तो आर जो है इस स्टेटमेंट की पार्टीशनिंग कर रहा है। आर से पहले जो कुछ है वो गिवन है, आर के बाद जो कुछ है वो साबित करना है। आर से पहले लिखा है द राइट बाय सेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइडों के राइट बाय सेक्टर्स आप ले सकते हैं, ये आपको गिवन है। साबित करना है कि वो कॉन्कुरेंट होंगे, तो तीनों राइट बाय सेक्टर्स हम नहीं लेंगे, हम एक वक्त पे दो राइट बाय सेक्टर लेंगे। गिवन के मुताबिक, इस स्टेटमेंट के मुताबिक गिवन जो है, बुक वाले ने भी लिखा है, मैं बुक वाले गिवन लिखता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे, कोई चीज आप याद कर सके। ट्राइंगल एबीसी आप गिवन टू प्रूव अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्फाज मुनासिब रखें, जो चीज जरूरी है वो चीज मेंशन करें, बेशक अपने अल्फाज में लिखें। गिवन है एबीसी और इसके टू प्रूव में हम लोगों ने ये कहना है, वर्डिंग किताब वाली में बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं तो वही यूज कर लेता हूं। द राइट बाय सेक्टर्स ऑफ साइड, द राइट बाय सेक्टर्स ऑफ साइड्स, अब इसमें जो साइड्स हैं वो आपके सामने, साइड ए बी, साइड बी सी एंड ए सी आर कॉन्कुरेंट, ये बात हमने साबित कर ली। अब इस बात को यहां इसी शक्ल से तो साबित नहीं हो सकता, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, अपनी तरफ से इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या चीज कर रहे हैं वो जरा ध्यान से देखिएगा। बुक की वर्डिंग है, ड्रा द राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, ड्रा द राइट बाय सेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी, दो राइट बाय सेक्टर ड्रा करें। तीसरे का जिक्र नहीं कर रहा, तीसरा मैंने भी कहा कि साबित करना है। ए बी का राइट बाय सेक्टर ड्रा करें, बी सी का राइट बाय सेक्टर ड्रा करें। सपोज करें ये मैंने ए बी का राइट बाय सेक्टर ड्रा कर दिया, जो यहां 90 का एंगल बना रहा है, इधर भी 90 का एंगल बना रहा है और इसके दो इक्वल पार्ट्स कर रहा है, राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी। फिर उसने कहा कि राइट बाय सेक्टर बी सी भी ड्रा कर लें, अंदाजे से सपोज कर लें ये हमने राइट बाय सेक्टर ड्रा कर दिया, राइट बाय सेक्टर ऑफ बी सी, जिसने इसके दो इक्वल पार्ट्स कर दिए और इसके 90 के एंगल पे इसको डिवाइड किया। फर्दर वर्डिंग में कह रहा है कि विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पर मीट करते हैं, ठीक हो गया। फर्दर वो कह रहा है ज्वाइन ए टू ओ टू ए बी एंड सी, फिर कंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि इस ओ को ए से मिला दे, इस ओ को बी से मिला दे और इस ओ को सी से मिला दे। ऐसा करने से क्या होगा, अब हम जरा आते हैं आखिरी इसका जो स्टेप होता है वो होता है प्रूफ का। प्रूफ के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग एक साइड पर स्टेटमेंट्स लिखते हैं और दूसरी साइड पर उन स्टेटमेंट्स के रीजंस लिखते हैं। तो यहां हमारे पास किस तरह के स्टेटमेंट, यहां कोई ट्राइंगल्स वगैरह हमने नहीं बनाए कि जिनको हमने कॉन्कुरेंट साबित करना हो। यहां हमने स्टार्टिंग में मैंने कहा कि थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 के स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे।
अब यहां पर आप जरा ध्यान से देखें तो ये जो है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी, और ये उसका राइट बाइसेक्टर है, ये उसका राइट बाइसेक्टर है, और ये राइट बाइसेक्टर पर आने वाला कोई पॉइंट है ओ। ये ओ पॉइंट इस राइट बाइसेक्टर पर भी है, ये ओ पॉइंट इस राइट बाइसेक्टर पर भी है। तो थ्योरम नंबर वन के स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या मैं यहां स्टेटमेंट डायरेक्ट कह देता हूं कि ओ से ए जो है ये कांगुरेंट होगा ओ से बी के, ओ से ए कांगुरेंट है ओ से बी के। इसको एक तो मैंने रिजल्ट नंबर वन मान लिया, दूसरा इसके रीजन में हम कह सकते हैं कि हमने पढ़ा है एनी पॉइंट, थ्योरम नंबर वन का स्टेटमेंट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ आ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। थ्योरम नंबर वन में हमने पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट जो किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाय सेक्टर पर आए वो उसके दोनों एंड पॉइंट से एक जैसे फासले पर होगा। फिर इसी तरह अगर हम इसको, इस बीसी को लाइन सेगमेंट कंसीडर करें, इस बीसी को अगर हम लाइन सेगमेंट मान लें तो फिर ये जो है ये इसका राइट बाय सेक्टर है और इसके ऊपर पॉइंट ओ आ रहा है। तो इस लिहाज से इसी थ्योरम के स्टेटमेंट के मुताबिक मैं लिख सकता हूं कि OB इज आल्सो कांगुरेंट टू OC। रीजन आप सिंपली लिखेंगे सेम एज अबव, जैसा कि ऊपर रीजन दिया इसका भी वही है। तो यहां तक आपके सामने थ्योरम नंबर वन का स्टेटमेंट हमने यूज किया। अब मजीद हम लोग इसमें कह सकते हैं या देख सकते हैं कि ओ से ए बी, ओ बी के बराबर है, ये फासला ओ ए बराबर है ओ बी के, और ये फासला ओ सी भी बराबर है ओ बी के, और ये दोनों चीजें अगर एक ही चीज के बराबर है, ओ से ए बी, ओ से ए और ओ से सी, ये दोनों डिस्टेंसेस सेम चीज के बराबर है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ओ से ए बराबर होगा ओ से सी के, ओ से ए बराबर होगा ओ से सी के। अब इसका जो रीजन हमारे पास है उस रीजन को हम लोग डिस्कस करते हैं। उस रीजन के लिहाज से हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि ये दो चीजें बराबर है। अब इसका रीजन हम कह सकते हैं कि फ्रॉम वन एंड टू, स्टेटमेंट नंबर या इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू से हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही चीज के बराबर थे लिहाजा आपस में भी बराबर होंगे। अब जरा ध्यान से सुनना है कि हम साबित कर चुके कि ये ओ से सी का फासला और ओ से ए का फासला, ये दोनों फासले आपस में बराबर हैं, लेकिन ये ए सी एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से, इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से अगर कोई पॉइंट एक जैसे फासले पर हो तो थ्योरम नंबर टू के स्टेटमेंट के मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये जो ओ होगा ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ये पॉइंट ओ जो होगा इस एसी के राइट बाइसेक्टर पे लाई करेगा। रीजन थ्योरम नंबर टू का स्टेटमेंट हम कहेंगे कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स
ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। कोई भी पॉइंट जो किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से एक जैसे फासले पर हो वो उसके राइट बाइसेक्टर पर होगा, ये थ्योरम टू के स्टेटमेंट के मुताबिक हम कह सकते हैं। लेकिन गिवन तो ये है, ओ इज ऑन राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि हमने तो लिखा था कि जो पॉइंट ओ है ये ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर पे लाई करता है, और हम इस नतीजे में पहुंचे कि ये ए सी ए सी के भी राइट बाइसेक्टर पे लाई करता है। इसके रीजन में तो आप कह देंगे गिवन है, दिमाग में गिवन। और हम यहां पर आ गए कि ये ओ जो है ये ए सी के भी राइट बाइसेक्टर पे ड्रा करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट ओ है ये ए बी के भी राइट बाइसेक्टर पर, ओ बी के भी राइट बाइसेक्टर पर और ए सी के भी राइट बाइसेक्टर पे लाई करता है। इसका मतलब है कि इसका राइट बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट से गुजरता है। इसका फाइनल जो कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं कि वो ये है कि ये अगर इसके भी राइट बाइसेक्टर पे लाई करता है ओ, तो यहां से तो ये साबित होता है कि ये तीनों राइट बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं, इसके नीचे हम स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस राइट बाइसेक्टर्स राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स आर कॉन्कुरेंट। ये बात हमने साबित कर दी। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं एक ही बात कह रहा हूं कि थ्योरम नंबर वन का स्टेटमेंट हमें अच्छी तरह याद हो और थ्योरम नंबर टू का स्टेटमेंट हमें याद हो। तो होप्स हो कि आपको काफी हद तक ये बात समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी और पॉइंट है तो आप रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।